महाराष्ट्र में आज कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ। इसको देखकर लग रहा है कि महाराष्ट्र में तीसरी लहर आ गई है। कल की तुलना में आज दोगुने से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य में आज कोरोना वायरस के 10,847 नए मामले आए हैं। 13,255 रिकवरी हुई है। 15 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामले 50,229 हैं। राज्य में अब तक 63,95,236 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं, इसलिए राज्य में मरीजों की ठीक होने की दर 97.04% है। राज्य में आज 55 मरीजों की मौत हुई है। नतीजतन राज्य की मृत्यु दर 2.12% है। राज्य में इस समय 50,229 मरीजों का इलाज चल रहा है। पूरे जिले में फिलहाल सबसे ज्यादा 12,758 सक्रिय मरीज हैं। राज्य के 17 जिलों में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से कम है। जलगांव 23, नंदुरबार 1, धुले 1, जालना 44, लातूर 98, परभणी 57, हिंगोली 14 और नांदेड़ 26, अमरावती 2, अकोला 29, वाशिम 4, बुलडाड़ा 92, यवतमाल 9, नागपुर 74, वर्धा 2, भंडारा 1, गोंदिया 7, चंद्रपुर 31, गढ़चिरौली 32 नीचे हैं। अब तक परीक्षण किए गए 5,55,19,679 प्रयोगशाला नमूनों में से 64,87,025 11.68% नमूनों का परीक्षण सकारात्मक रहा है। वर्तमान में राज्य में 2,92,510 व्यक्ति होम क्वारंटीन में हैं और 1,911 व्यक्ति संस्थागत क्वारंटीन में हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 458 कोरोना वायरस मरीज दर्ज किए गए हैं। सामने आए हैं तो 334 मरीज कोरोना पे काबू पा चुके हैं। मुंबई में अब तक 7,25,581 मरीज कोरोना मुक्त हो चुके हैं। मुंबई का रिकवरी रेट 97% है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में फिलहाल 4,010 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।